हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक्चुअली मेरे माइंड में आया कि अगर हम नेशनल और इंटरनेशनल की न्यूज़ को अगर करंट अफेयर के जरिए अगर लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो क्यों ना हम हिमाचल की न्यूज़ को भी आप तक पहुंचाएं। तो अभी हमने आज हिमाचल न्यूज़ की कुछ जो हाईलाइटेड न्यूज है आज की 14 फरवरी की, तो वो हमने आज इसको ही सिर्फ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आगे आप तक पहुंचाने की कोशिश की हुई है। अगर ये मेरी कोशिश आप लोगों को अच्छी लगी तो आप ज़रूर कमेंट्स करना। इसमें आज के हिमाचल की टॉप न्यूज़ जो बन के आ रही है वो कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है आज। तो कैबिनेट की मीटिंग में सरकार क्या फैसला लेती है वो सोचने वाली बात है। इसमें प्लानिंग ये चल रही है कि जो फर्स्ट और सेकेंड क्लास के बच्चों को छोड़ करके थर्ड टू लेकर के 8th तक के बच्चों के स्कूल जो खोलने की कुछ उम्मीद ऐसा सुनने में आ रहा है कि वही 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के स्कूल जो है खोले जा सकते हैं। दूसरी खबर आ रही है, सीएम जयराम ठाकुर ने रोप वे से बदलेगी प्रदेश की तस्वीर, दुर्गम पंचायतों को संपर्क सुगम होगा। ठीक है, तो कई पंचायतें या कई गाँव हमारे ऐसे हैं कि जहाँ पर जो कहीं दूर दूर बसे हुए पहाड़ी एरिया है तो नेचुरल सी बात है दूर दूर बसे, तो रोप वे के अभी गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की हुई है, ठीक है, जो 5 5 शायद 5 से ज़्यादा ही है। तो रोप वे जो भारत यहाँ हिमाचल में लगेगी उसमें पहला रोप वे भी मंडी में ही लगने लगेगा। तो उससे और एक बिजली महादेव का है, एक पांगी के लिए है, चंबा पांगी के लिए। तो अभी ये टोटल मुझे लगता है 5 या 11 इतने रोप पे अभी हिमाचल के लिए सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी दिए हुए। तो इससे दुर्गम स्थानों की पंचायतों का जो उन वहाँ पर कुछ चीज़ें पहुँचाने के लिए और टूरिज्म के लिए, मतलब सबसे बड़ी बात है कि पूरे ऑल ओवर हिमाचल को बेनिफिट होगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हमारा कांग्रेस हाईकमान ने रामलाल ठाकुर को पंजाब चुनाव के लिए सौंपी अहम जिम्मेवारी। तो अभी पंजाब में हाल ही में कांग्रेस पार्टी जो है हिमाचल के रामलाल ठाकुर जी को वहाँ की पंजाब की जिम्मेवारी सौंप रही है। ये अब आज की न्यूज़ बन के आ रही है। हिमाचल में कोरोना से 7 साल के बच्चे समेत 3 की मौत, 163 नए संक्रमित मामले। तो ये कोरोना की रिपोर्ट है, कोरोना में अभी 7 साल के बच्चे मरे हुए, बच्ची भी मरी हुई है, 3 लोगों की मौत हुई है और 163 नए मामले आए हुए। नेक्स्ट आपका अभी चांसेस में बता रहे हैं कि आज से लेकर के 17 तक मतलब मौसम आपका ख़राब रह सकता है। तो बाकी ये कि मैदानी इलाकों में ऐसे शुष्क सा रह सकता है। नेक्स्ट उसके बाद आपका जो चंबा थाल है और सलोनी की मक्का है, इसको जीआई टैग मिलने के, अभी जीआई टैग मिलेगा इस, ये आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो शो करता है जो किसी पार्टिकुलर एरिया के बारे में एक विश्व स्तर पर पहचान दिलाता है जीआई टैग। तो सलोनी की जो सफ़ेद मक्की है उसको और चंबा थाल को। नेक्स्ट उसके बाद आपका असम के मुख्यमंत्री को की टिप्पणी पर भड़का गुस्सा युवा और महिला कांग्रेस ने फूंका पुतला। तो ये आपका सोलन के नज़दीक हुआ है, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोला था, गांधी परिवार के खिलाफ बोला हुआ था। तो ऑटोमेटिकली ये हालांकि बोला ही ने प्रचार करते हुए उत्तराखंड में है, तो लेकिन फिर भी अभी कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर ने अभी काफ़ी बीच में इसको लेकर के टिप्पणी की है कि वो जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो उसके लिए माफ़ी मांगे। शिक्षा विभाग, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, शिक्षा विभाग ने प्री प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट शिक्षक भर्ती किया सरकम। तो अभी हाल ही में जैसे अभी नए जो है प्री प्राइमरी स्कूल्स में कोई टीचर रखने की उम्मीद, चांसेस कम है। रोहड़ू में मलखून में नशेड़ी देवर ने कुल्हाड़ी से काट डाली भाभी। तो अभी वहाँ रोहड़ू का केस आया हुआ, तो देवर ने जो कि नशे का आदी है तो उसने क्या कर दिया, कुल्हाड़ी से अपनी भाभी को मार दिया और वो खुद फरार है। ये तो पुलिस
पुलिस जो है उसको देख उसकी जांच कर रही है कहाँ पर है कहाँ नहीं है, ये सारी की सारी। पुरानी पेंशन के लिए 3 मार्च को कर्मचारी करेंगे सरकार का घेराव, ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ बन के आ रही है। 3 मार्च को जो पेंशन को लेकर के पुराने 3 मार्च को कर्मचारी जो है वो सरकार को सरकार का घेराव करने के लिए इन्हें अल्टीमेटम दे दिया सरकार को कि हम आप सरकार का घेराव करेंगे, इनकी डिमांड है मांग है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर के हिमाचल में अलर्ट, DGP सुमेधा द्विवेदी ने जांच सीमाओं पर व्यवस्था। तो अभी हाल ही में ऊना में इन्होंने जांच की पिछले कल ही, तो DIG सुमेधा द्विवेदी ने क्या किया हुआ है अब ये, क्योंकि ऊना और ऊना के साथ जो हिमाचल का जो बॉर्डर है वो पंजाब के साथ ऊना में ही लगता है, तो वहाँ पर इन्हें सिक्योरिटी पर्पज़, क्योंकि अभी वहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ दंगे फसाद के डर रहते हैं। हिमफेड का दावा 1 हफ्ते में पहुँचा देंगे पोटाश की एक खेप, तो ये पोटाश की खेप को लेकर के ये बड़े टाइम से मिल नहीं रहा, तो खाद्य पर्पज़ से इनके लिए बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए, तो अभी खेतों के लिए पोटाश की डिमांड जो है बढ़ी हुई है या फिर ज़रूरी है आजकल। देहरादून NH पर हादसा हुआ, चंडीगढ़ देहरादून जो आपका चंडीगढ़ देहरादून NH जो नेशनल हाईवे पर जो हादसा हुआ उसमें तेज़ रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। ट्रक के साथ जो है 2 बाइक सवार युवक थे वो बेचारे मर गए हुए। IPL ऑक्शन में क्या हुआ है, पंजाब किंग ने 2 करोड़ में राज बाबा और 55 लाख में ऋषि धवन को खरीदा है। पंजाब किंग्स ने क्या किया हुआ, जो अभी IPL की बोली लगी हुई थी 2022 के लिए, तो इसमें हिमाचल के 2 क्रिकेटर जो है राज बाबा और ऋषि धवन को खरीदा हुआ है, या आप इनकी पिक देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए यही थी हाइलाइटेड न्यूज़। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर इस तरह से भी वीडियो अगर बनाने के लिए आप मुझे प्रोत्साहित करते हो, आपके सपोर्ट अगर मिलता है तो आगे भी मैं इस तरह से वीडियो बनाता रहूँगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आगे भी शेयर कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।